हैं अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के तहत बस्सी पठाना पुलिस ने गांजा समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी बस्सी पठाना मोहित सिंगला ने पत्रकारों को बताया कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के तहत नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थानेदार कुलविंदर सिंह सहित पुलिस पार्टी द्वारा टी पॉइंट पर नाकाबंदी कर एक व्यक्ति की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति को पुलिस कर्मियों ने संदेह के आधार पर रोका तो पूछने पर उसने अपना नाम नितेश कुमार पुत्र मेघनाथ शाह गांव अहूना सिसवा जिला खगड़िया निवासी बताया। बहरहाल निवासी गांव रसूलरा माजरी जिला लुधियाना बताया गया है। इसी दौरान जब उक्त व्यक्ति की तलाश ली गई तो उसके पास से 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। उक्त व्यक्ति के खिलाफ बस्सी पठाना पुलिस द्वारा नशा विरोधी एनडीपीएस मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसे कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। श्री फतेहगढ़ साहिब से पारस गौतम की रिपोर्ट। पुलिस वालों नशे विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के तहत सानू एक सफलता मिली है। और बस्सी पठाना पुलिस स्टेशन वालों रात करीब 12:30-25 तरीक न गश्त की जा रही थी, जिस दौरान एक शक्की बंदे असी राउंड अप किया। चैकिंग करने तो वो कोलों 5 किलो गांजा बरामद हो। यह जिनी साढ़े को हजे तक इनफॉर्मेशन है जो साड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वेचन वास्ते लैके आया सी। प्रवासी मजदूर है, नीतीश कुमार नाम है, बिहार तो बिलोंग करता नहीं। यह गश्त के दौरान शक्की बंदियां दी चैकिंग कर रहे सी जदों, तो उस दौरान साढ़े काबू आए। नहीं है तो पहला कोई मामला दर्ज नहीं है। हाँ जी, यहाँ एक दिन का साढ़े को रिमांड से अच्छे दोबारा पेश करा तो हो रिमांड जो मिलेगा तो उस हिसाब में कार्रवाई।